रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रहे भारत भीम स्वर्गीय जनार्दन सिंह स्मृति सीनियर स्टेट पुरुष महिला कुश्ती चैंपियनशिप एवं उत्तर प्रदेश केसरी प्रतियोगिता 2018 में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे गोंडा के विधायक प्रतीक भूषण सिंह का प्रतियोगिता की आयोजन समिति के सदस्यों ने कुश्ती का प्रतीक गदा भेंट कर स्वागत किया। फाइनल मुकाबले में खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करने पहुंचे मुख्य अतिथि ने खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त कर मुकाबले का शुभारंभ किया। प्रतिभागी खिलाड़ियों ने बड़े ही जोश के साथ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस दौरान खिलाड़ियों के समर्थक उनका हौसला अफजाई करते रहे। विजयी खिलाड़ियों को मुख्य अतिथि ने मेडल देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय पहलवान दिनेश सिंह, वरिष्ठ पहलवान पन्नेलाल, खेल निदेशक डॉक्टर आरपी सिंह, आयोजक आदित्य प्रताप सिंह, धीरज सिंह हरीश, मनीष सिंह, सावन सिंह, अशोक तिवारी सहित भारी संख्या में खिलाड़ी और समर्थक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए गोरखपुर कुश्ती संघ के अध्यक्ष दिनेश सिंह और मुख्य अतिथि गोंडा के विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने कहा, दोनों पहलवानों के लिए प्रथम पुकार तीन राउंड की कुश्ती शुरू होगी। नहीं, उसके बगल वाले में उसके चला गया एक दिन Come on.
इस मंगल पुनीत कुश्ती के कुंभ का आयोजन एक व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति पहलवानी में पूरे प्रदेश में नाम करने वाले और ऐसे नाम को फैलाते हुए यह पावन मंच, यह पावन अखाड़ा इस स्टेडियम में आए सभी कोच, सभी खिलाड़ी बंधु, सभी खेल प्रेमी बंधु, मैं आप सबका नमन एवं अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आप सब खेल प्रेमियों की वजह से ये हजारों हजारों साल की चली आई कुश्ती जीवित है और आज इतनी लोकप्रिय है कि क्रिकेट से भी ज्यादा टीआरपी गांव में आज कुश्ती का है और कुश्ती का रिकॉग्निशन, कुश्ती का परिचय, कुश्ती की पहचान आपसे है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां से जो खिलाड़ी जो यहाँ से सेलेक्ट होकर जाए वो नेशनल में अभी आगामी 30/1/2 को नंदी नगर में उसका आयोजन है, उसमें भी मैं चाहता हूं कि अच्छा परफॉर्म करें, राष्ट्रीय स्तर का खेल जीते, ओलंपिक में जाएं और हम ये गर्व के साथ कह सके कि वह भूमि जिसने गोरखपुर से एक बहुत ही ऊर्जावान मुख्यमंत्री को दिया है, वही व्यक्ति एक यहां पर ओलंपिक के खिलाड़ी को भी आज साक्षात कर ले, कॉमनवेल्थ के खिलाड़ी को भी साक्षात कर ले और यहाँ के अखाड़े जो पूरे दुनिया भर में प्रचलित रहे हैं, अंग्रेजों के काल से यहाँ से कट काठी के पहलवानों की चर्चा सदैव रही है, यहाँ के अखाड़े चाहे कालीबाड़ी के अखाड़ा हो, चाहे कृष्णानगर के अखाड़े हो, इन सब के पहलवानों के जो चर्चे होते थे, उन सब पक्की बाड़ी के जो पहलवानों के जो चर्चे होते थे, उसको पुनः ये लोग और जीवित करें और उसको उत्साहित बनाए। और मैं चाहता हूँ कि सभी पहलवान बंधु यहाँ पर भगवान आप सबको मंगल कामना दे, ताकि आपके परिवारों में आपके आपके जो पुत्र निकले, आपकी जो पुत्रियां निकले, वो ओलंपिक और कॉमनवेल्थ में जाने की क्षमता बनाए, हुनर लेकर आए, आप सब उनको सपोर्ट करें। आप सब मैं पुनः यहाँ पर जितने यहाँ पर अगर जो बंधु हैं, खिलाड़ी हैं, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ ऐसे पुनीत कार्य में आप सब आए और यहाँ पर आप सबका जो भी समर्थन हम सबको प्राप्त हुआ, हमारे कुश्ती फेडरेशन से जुड़े हमारे जिला के गोरखपुर के अध्यक्ष महोदय, हमारे कुश्ती फेडरेशन के सारे रेफरी महोदय, कोचेस महोदय, आप सबको सादर हृदय से मैं धन्यवाद अभिनंदन करता हूँ। और इस बहुत अच्छे और उच्चतम कोटि के कार्यक्रम के लिए मैं यहाँ पर आयोजक बंधुओं को मैं सहृदय मैं बधाई कोटि कोटि बधाई देता हूँ कि इतना अच्छा कार्यक्रम मैंने
अपने ही अभी इस अपने अनुभव में पूरे देश में बहुत कम ही देखा है और उत्तर प्रदेश में तो नहीं देखा है। आपने एक पैमाना सेट करने का काम किया है, आपने एक हाई लेवल एक हाई स्टैंडर्ड सेट करने का काम किया है। भगवान करे कि जब भी उत्तर प्रदेश में कुश्तियां हो तो ऐसे ही हाई स्टैंडर्ड के साथ हो और पूरे देश में उत्तर प्रदेश का नाम ऐसे ही आगे जाए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत और बोलो बजरंग बली की। यहाँ ये जनार्दन सिंह के स्मृति में 64वीं पुरुष और 21वीं महिला स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन था जो जिसका आज अंतिम दिन चल रहा है। 3 दिन में करीब 500 कुश्तियाँ हुई हैं, इसमें करीब 100 से ऊपर लड़कियाँ थीं और 400 के करीब लड़के थे। पहले दिन यहाँ पर कुश्ती के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ब्रजभूषण शरण सिंह आए हुए थे। उसके बाद दूसरे दिन कल प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी यहाँ आए हुए थे और विजयी पहलवानों को उन्होंने पुरस्कृत किया और आशीर्वचन दिया। आज प्रतीक भूषण सिंह विधायक गोंडा, MLC देवेंद्र प्रताप सिंह और तमाम लोग यहाँ आए और यहाँ कुश्ती का जो ये आयोजन था बड़ा ही सफल ढंग से पूरा हुआ। आज अंतिम दौर की कुश्तियाँ चल रही हैं, फाइनल की अभी 5:30 बजे तक ये खत्म हो जाएंगी। काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, खिलाड़ी काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, इसमें और किस तरह का क्रेज युवा में आ रहा है इस वक्त यहाँ पे जो खिलाड़ी भाग ले रहे हैं उत्तर प्रदेश के ये जो फर्स्ट होंगे वही नेशनल में रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें से कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो नेशनल में उनकी सेकंड पोजीशन फर्स्ट पोजीशन है, लड़कियाँ कई थी जिनमें इंटरनेशनल वो इंडिया रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। तो यहाँ बहुत ही है तो स्टेट लेवल लेकिन ये नेशनल लेवल का टूर्नामेंट यहाँ हुआ है और बहुत ही अच्छा आयोजन हुआ है। आज यहाँ पर उत्तर प्रदेश का यहाँ पर कंपटीशन हो रहा है, यूपी लेवल का, यूपी का ट्रायल हो रहा है पहलवानों के लिए और आज यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कोने कोने से चाहे छोटे हों चाहे बड़े जिले हों यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कोने कोने से पहलवान आकर अपनी हुनर और प्रतिभा का यहाँ पर कॉम्पिटिशन कर रहे हैं और जिनका यहाँ से सिलेक्शन होगा वो यहीं से नेशनल टीम में खेलेंगे और ये कह सकते हैं कि ये ओलंपिक और कॉमनवेल्थ के लिए जो गेटवे होता है वो आज यहाँ पर ये गोरखपुर स्टेडियम में वो टूर्नामेंट है। और मैं मंगल कामना करता हूँ कि खिलाड़ी और आयोजक बंधुओं का कि इतना अच्छा कार्यक्रम इतना व्यवस्थित कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है और निश्चित ही कुश्ती के लिए ये एक बहुत ही प्रोत्साहन और एक अच्छे हाई स्टैंडर्ड के जो कार्यक्रम हो रहे हैं इससे ये खेल जगत को बहुत लाभ है, आने वाले पहलवानों के लिए एक मार्गदर्शन और आगे भविष्य में आयोजनों का एक सेट स्टैंडर्ड। मैं चाहता हूँ कि ऐसे कार्यक्रमों को
हम सब खिलाड़ी बंधु और आयोजक इन सब को यहाँ पर सपोर्ट करें और मोटिवेट करें कि ऐसे कार्यक्रम यहाँ ऐसे होते रहें और गोरखपुर से और अच्छे पहलवान जैसे अतीत में निकलते आए हैं, भविष्य में ओलंपियन, कॉमनवेल्थ विजेता, एशियाड विजेता, ऐसे हम उम्मीद करते हैं कि आगे भविष्य में जो बेहतर व्यवस्थाएं सुविधाएं अब हमारे भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही तो ऐसे भविष्य में और पहलवान यहाँ से इन अखाड़ों से निकल के जाएँ और देश दुनिया में इस गोरख प्रांत का नाम रोशन करें। धन्यवाद।